सब्सक्राइब कीजिए एमडी टेक्निकल चैनल को और लेटेस्ट सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। हेलो गाइस, एमडी टेक्निकल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करेंगे जो स्ट्रेटनर होता है बालों को स्ट्रेट करने के लिए। और ये जो स्ट्रेटनर है इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि ये ऑन नहीं हो रहा है, चालू नहीं हो रहा, तो हम इसकी समस्या देखेंगे कि इसमें समस्या क्या है और इसे रिपेयर करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं और खोलने का जो इसमें यहाँ से खुलता है, ये इस जगह से ये पॉइंट अप है, ये इसे निकल जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर इस जगह इसके वायरिंग लगा हुआ है जो कि पूरी चारों तरफ रोटेट होता है, ये वायर है। ठीक है, सबसे पहले हम इसे खोल लेंगे। आप देख सकते हैं कि खुल चुका है और अब यहाँ पर ये जो वायर है हम इसे खोलने की कोशिश खोलेंगे। अब इसे हम इस लॉक को थोड़ा हमें पीछे की तरफ करना पड़ेगा तब जाके ये खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या हुआ है कि और ये वाला जो पॉइंट है ये भी अलग हट जाता है। इसके अंदर क्या हुआ है कि हमारा जो केबल है यहाँ से ये ख़राब हो चुका है, इस जगह से ये ख़राब हो चुका है, यहाँ पे इसका जो सॉल्डिंग है वो हट चुका है। वो क्यों हटा है? क्योंकि यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका ये ढीला हो चुका है, इस वजह से इसमें स्पार्क आ रहा था, इस वजह से ये शॉर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्डिंग कर देंगे और फिर ट्राई करके देखेंगे चल रहा कि नहीं चल रहा। इसे अब हम ट्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी जो लाइट है वो ग्लो हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें जो लाइट है वो चालू हो चुकी है, इसका मतलब ये
ऑन हो गया है ये। जैसे ही मैं इसे बंद कर निकालता हूँ तो ये लाइट ग्लो होना बंद हो जाएगी। हमारी जो प्रॉब्लम थी ये इसकी थी, तो हमारा जो स्ट्रेटनर है वो कंप्लीटली सही हो चुका है। हिट भी हो रहा है, इसे अब हम पिक कर देंगे।